हाय स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17। यूजिंग द रूल्स ऑफ डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000 फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर व्हेन। इसमें सिंपल है ये, बहुत ही, अगर आप इसे ध्यान से, अगर थोड़ा सा अगर आप इसमें माइंड यूज कर दें तो एक ट्रिक की वजह से आप इसे आसानी से कर सकते हैं विदाउट डिवीजन। इसमें क्या होता है, देखिए आपको एक एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर मैंने दूसरी डिजिट से जैसे बताया, जैसे अगर हम 3462 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आप क्या करिए, पहले पीछे से काउंट करिए वंस टेंस, और जहां से स्टार्ट होता है, जैसे 6 पर हमारा टेंस आ रहा है, यानी कि 6 के सारी लेफ्ट वाली डिजिट जो हैं वो जाएंगी क्वोशेंट में, और जो बचेगा जैसे कि यहाँ पर 2 बचा है तो वो जाएगा रिमाइंडर में। नेक्स्ट उसी तरह से अगर देखिए 3462 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो इसमें काउंट करिए वंस टेंस 100, तो 100 से जो भी लेफ्ट साइड में जितनी भी डिजिट होंगी वो सब जाएंगी क्वोशेंट में, यानी 34 यहाँ पर जो है वो जाएगा क्वोशेंट में, और बाकी जो आपके बचे हैं जैसे कि 62 जो है वो आपका जाएगा रिमाइंडर में। नेक्स्ट देखिए, अगर इसी डिजिट को 3462 को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या काउंट करेंगे, वंस टेंस 100 1000 1000 1000 जिस पर आ रहा है, और उसके अगर लेफ्ट में अगर डिजिट हैं तो वो सारी जाएंगी क्वोशेंट में, बट यहाँ पर और डिजिट तो है नहीं तो इसलिए केवल 3 जो है वो जाएगा क्वोशेंट में, और जो बचा 462 ये सब जाएंगे आपके रिमाइंडर में। तो चलिए क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 17। क्वेश्चन नंबर 1, 527 डिवाइडेड बाई 10। तो 527 को हम ऐसे डिवाइड करें, मतलब 10 से हमें डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम 52 देखेंगे, फिर 10 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे, या तो 52 आ जाए या फिर 50 आए, तो 52 तो आता नहीं है, सो हम क्या करेंगे, हम 50 लेंगे, 52 में से हमने 50 माइनस किया तो बचा 2, फिर हम 7 को नीचे लेके आएंगे, उसके बाद हम 10 टू जा 27। तो आप देखिए यहाँ पर वही बात हो रही है, वंस टेंस, टेंस आपका 2 पे आया था, और 2 के लेफ्ट वाली जो सारी डिजिट हैं जो बन रही हैं 52, वो हो गया आपका क्वोशेंट, और बचा क्या था, केवल 7 बचा था जो हो गया आपका रिमाइंडर। उसी तरह से 1006 को हम 10 से जब डिवाइड करेंगे तो हम सीधे सीधे 10 जा 100 ले लेंगे, ठीक है, तो 100 से 100 पूरी डिजिट कट जाएगी, बचेगा 6, तो अगर लास्ट में डिजिट बचती है और वो डिजिट जो है वो आपके डिवाइडेंड से कम होती है तो हम क्वोशेंट में एक जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो एक जीरो है वो बढ़ेगा, तो हमारा क्वोशेंट क्या हुआ, 100, और रिमाइंडर हुआ 6। नेक्स्ट देखिए, उसी तरह से 1936 को हम 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो 100 का टेबल इतनी बार पढ़ा जाए कि 193 से कम आए, ठीक है, तो 193 से कम लाने के लिए हम 1 बार में जाएंगे, 100 बन जा 100, 193 में से 100 माइनस करेंगे तो आएगा 93, फिर 6 को हम नीचे लेके आएंगे, फिर 9 बार में अगर लेकर जाते हैं तो 109 जा 936 जो है वो रिमाइंडर होगा, 19 जो है वो आपका क्वोशेंट होगा। वही बात है क्लास, आप काउंट करिए वंस टेंस, टेंस आपका किस पर आ रहा है, 3, और जो 100 है वो आ रहा है 9 पे, तो 9 से स्टार्ट करिए, और उसके सारे लेफ्ट वाले डिजिट को आप किस में ले सकते हैं, क्वोशेंट में, और जो बचा है वो है आपका रिमाइंडर विच इज 36। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 27007 को हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो वही बात हो रही है, वंस टेंस 100, 100 यानी कि 270 जो है वो आपका क्वोशेंट होगा, और 7 जो होगा वो आपका रिमाइंडर, कैसे, 100 टू जा 200 माइनस करेंगे, 70 बचेगा, 0 आएगा, 700 हो गया, फिर 100 7 जा 700, फिर हम 7 को नीचे लेके आएंगे, तो हमने इससे पहले भी अभी आपको बताया था जब आपने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया था कि उसमें क्या है कि अगर लास्ट में डिजिट उतरती है और अगर आपके डिवाइडेंड से छोटी होती है तो आप क्या करेंगे, क्वोशेंट में एक जीरो बढ़ा देंगे, तो आपने यहाँ पर एक क्वोशेंट में एक जीरो बढ़ा दिया है, तो उसी तरह से ये आपका सॉल्व होगा, तो 270 जो है वो क्वोशेंट हो गया और बचा आपका 7। नेक्स्ट है 17065 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, काउंट करिए वंस टेंस 100 1000, यानी कि 1000 किस पर आ रहा है, 7 पे, 7 से लेफ्ट में जो भी डिजिट हैं वो सब जाएंगी आपके किस में,
क्वोशेंट में, और जितनी भी बची यानी कि 65 वो आपका जाएगा रिमाइंडर में। आप देख सकते हैं कि जो आपको बताया गया है ऊपर वही यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि ये जो भी एक्सरसाइजेज हैं आप इसको विदाउट डिवीजन भी डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं अगर आपको आता है तो। अगर आप डबल श्योर होना चाहते हो तो आप बिल्कुल डिवाइड करो, ठीक है। तो बाकी एक्सरसाइजेज आप कॉपी में ऐसे ही पूरी पूरी एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।